Hey guys, hi everyone, this is Abhishek, Master Teacher Officer Vedant. तो कैसे चल रहे हो जिंदगी, कैसे हो बच्चों, कैसे मेरे शेर और शेरनी हो, वेलकम टू दिस सेशन. जल्दी से बल्ले बल्ले बोलो जल्दी से चैट पे. ऑल ऑफ गाइस डूइंग अ ग्रेट जॉब. हाय एवरीवन. अरे दिंगी जी नमस्ते. श्रीवास्तव जी कैसे हो, कैसा गया इंग्लिश एग्जामिनेशन? बढ़िया. आई एम रियली होपिंग कि CBSE वाले यहाँ पे नहीं है. ठीक है, एक सेकंड बच्चों, जस्ट गिव मी सेकंड. हाँ, सो आई एम रियली होपिंग कि CBSE वाले बिल्कुल नहीं है यहाँ पे. बहुत मार खाओगे अगर CBSE वाले हैं यहाँ पे, तो जाओ पढ़ाई करो अपने CBSE वालों की भाई जल्दी से. मेघा जी हाँ देख लेता हूँ बेटा आपका, देखा मैंने आया हुआ देख लूंगा. ठीक है, हाय एवरीवन, व्हाट्सअप. हाय जशवंत जी कैसे हो, बढ़िया. प्रगति जी नमस्ते. ठीक है, सब लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट टू देख लिया था? ऑल ऑफ यू गाइस वेंट थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट टू सेशन, यस और नो? देख लिया था? हाँ जी डेफिनेटली पूरा, कोई डाउट्स तो नहीं है उसमें? क्या बात है. ठीक है, सब बढ़िया था उसमें? ऑल क्लियर ना, मतलब क्लियर हो गया ना सब? ठीक है, तो हाउसहोल्ड सर्किट्स थोड़ा सा लेट हो गया ज्वाइन करने में. बहुत देर से कोशिश कर रहा था कि कैसे इसमें सेटअप करूं, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये बिग वेव है हमारा, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे सेटअप करने थोड़ा वक्त लग रहा था मेरे को. बट या ऑल गुड. यश कहते हैं जी सर गुड टू सी आफ्टर सो लॉन्ग फॉर ICC. नो नो बेटा, यश जी आई थिंक यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड वेल. आई वॉज देयर फॉर ICC फ्यू डेज बैक ऑल्सो. अरे आशुतोष जी जाओ पढ़ाई कर लो थोड़ा सा. ठीक है, नाउ व्हाट वी गोना डू राइट नाउ इज कि वी आर गोइंग टू कैप्चर द एंटायर चैप्टर हाउसहोल्ड सर्किट्स राइट नाउ इन जस्ट वन गो. कोशिश करेंगे कि एक घंटे में चैप्टर आराम से हो जाए. मेरे को लगा कंटेंट देखा मैंने भाई इतना इजी है यार, ऐसे ऐसे निकल जाएगा. अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रांग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्ट्रांग है, तो फिर हाउसहोल्ड सर्किट्स में उसको अप्लाई करना है हमारी जिंदगी में. कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो हम डेफिनेटली समझेंगे. लेकिन अगर आपको आज के क्विजेस में पार्टिसिपेट करना है और हमारे ऐसे अमेजिंग चीजें कौन से भाई जो, अरे कहाँ गया ये हमारा है ना फेड अप ऑफ डूइंग इंग्लिश थिंकिंग जी. ठीक है, तो अगर आपको ऐसे मजे लेने हैं तो फिर डेफिनेटली यू वुड हैव टू कम ऑन टू द वेदांतु प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो कैसे ज्वाइन करना है सेशन को बता देता हूँ सबको, ताकि ऑल ऑफ यू गाइस हैव अ क्लियर कट आइडिया. तो भाई साहब ये हमारा सेशन यहाँ पे यूट्यूब पे चल रहा होगा. सो मैं काम करता हूँ, जल्दी से हमारे सेशन में जाता हूँ. द सेशन मस्ट बी दिस. ठीक है, तो हमारे सेशन चल रहा है. इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में जैसे आप जाओगे यू विल फाइंड आउट द लिंक फॉर ये. कहाँ गया भाई है? वाह बढ़िया, मजा आ गया. अरे बिग बिग का लिंक ही नहीं है आज, आप फिर चलो एंजॉय करो, यहीं से पार्टिसिपेट करो, फिर कोई चिंता नहीं. ठीक है, यहीं से देखो फिर, और क्या मैं बोलूंगा. चलो कोई बात नहीं, सेशन की शुरुआत करते हैं. आ जाओ भाई, पागलपन ही चल रहा है, मैराथन चल रहा है ना, तो सब लोग पागल ही हुए वैसे. ठीक है. कोई बात नहीं, चलो इट्स ऑल राइट. आगे बढ़े, जिन जिनका अकाउंट है वेदांतों में वो तो फिर ये देख सकते हैं सीधे जाकर. ठीक है, बट डोंट वरी एनी हाउ. डिंकी जी हाँ इलू बनाती सब ले गया भाई, जिंदगी ले गया. सो दिस चैप्टर मेक्स यू फील लाइक एन इलेक्ट्रिशियन. अरे शांति जी यही सही पकड़ा आपने. वैसे इट विल बी यू नो व्हाट टू से, नॉट अ गुड दैट ग्रेट थिंग फॉर इलेक्ट्रिशियन, बिकॉज दे डू अ लॉट मोर जॉब देन जस्ट सेटलिंग आवर लाइफ हियर ऑन दी हाउस, है ना. चलो फिर समझते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग से कि भाई है क्या. तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बस एक चीज पूछना चाहता हूँ कि इमेजिन करो कि एक दिन आपके घर में से बिजली निकल गई, उड़ गई, खत्म, बिजली खाई, नहीं आने वाली. और ऐसे इमेजिन करो, आग बंद करके मुझे बताओ कि फिर क्या फीलिंग होगी आपके अंदर. वॉट वुड यू बी लाइक. सी आई एम प्रीटी श्योर डिंकी जी विल यू नो कंप्लीटली टर्न इन टू अ स्टोन वुमन एंड शी बी लाइक ये आई डोंट नो व्हाट यू गाइस, व्हाट आर यू गोइंग टू डू. जग सुना सुना लगे. हाँ श्रीवास्तव जी आपका तो हम समझते हैं, जग सुना लगे. और बाकी अरे मान्या जी कैसे हो, बढ़िया. कोई बात नहीं, टैलेंट ही, चिल मारो. ऑल दी बेस्ट. और भूत फील होगा बहुत, भूत का. अच्छा भूत का फील होगा, छोटी बच्ची हो क्या. गाइस हाउ वाज टुडे. अरे यार जिंदगी तबाह हो जाएगी. अच्छा ठीक है, आई नो निब्बा निब्बी वो सारी चीजें फिर हो नहीं पाएंगी. वो सब छोड़ो यार, घर में इंटरनेट नहीं आएगा क्योंकि भाई वाईफाई भी सब कुछ तो आपका काम करता है आपके यू नो करंट पे. आपको बहुत दोस्त लगे कि हाँ सर हमारे में मोबाइल नेटवर्क के थ्रू आ जाएगा डेटा, लेकिन भाई वो सर्विस को चलने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है. तो यहाँ लोग मान लो कि भाई पावर प्लांट में आप जनरेट कर पा रहे हो इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन पहुँचा नहीं पा रहे हो आप लोगों तक, पहुँचा नहीं पा रहे हो आप एंटरप्राइजेस तक, सर्विसेज तक, तो फिर जिंदगी हो गई स्टोरेज में दोबारा. So it's not only about generating electricity, it's also about to distribute it.
लोगों तक पहुंचाएं कैसे। वो होता है ना कि भाई हम बैठे बैठे इतना अच्छा आइडिया आता है कि भाई चलो भाई इसको एग्जीक्यूट करते ना हम, तो हम बिलियनर हैं, अगला इलॉन मस्क तो हम ही हैं, ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन फिर जब एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो लोगों तक पहुंचाना पड़ता है ना बात, तभी मार्केटिंग ये सब चीजें आती है। तो वही सेम सिनेरियो यहां पे है कि इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक पहुंचेगा तभी तो काम बनेगा, वरना आप बोलोगे क्या इलेक्ट्रिसिटी। हाँ एग्जैक्टली ना, ट्रांसमिशन तो नहीं है ना सर, बिल्कुल ट्रांसमिशन, अरे ट्रांसमिशन भी है, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, बट समझना बहुत जरूरी है कि नहीं। तो इसी बात को अपने दिल में रखते हुए कि कितना इंपॉर्टेंट है, कहां से कहां तक आपकी जिंदगी में इलेक्ट्रिसिटी, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आने वाला है। यार ये इसमें ना पॉइंटर काम नहीं करता, वरना मैं बिना छुए ही आगे चले जाता। अरे भाई अभी बैटरी चेंज किया तुम्हें, कंजूस इंसान, ये देखो अभी बैटरी का सिंबल दिखा रहा है, मैंने अभी बैटरी चेंज किया। इलेक्ट्रिसिटी घपला घपला घपला, चलो कोई नहीं यहां से चेंज करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट कि भाई ये ट्रांसमिशन होती कैसे और कहां कहां पे। ऑफ कोर्स ये बात है कि पावर प्लांट से आपके घर तक कैसे पहुंचता है, वो ट्रांसमिशन आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। वही यहां पे शिवास्त्री जी कह रही थी, सर ट्रांसमिशन तो नहीं है ना, मतलब जब मैं पढ़ाने लगा तो शिवास्त्री जी बोली ट्रांसमिशन है क्या, तो उनका दिल ऐसे ट्रांसमिशन नहीं ऐसे वाली फीलिंग आपके अंदर आई होगी। तो आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चलो वो ट्रांसमिशन पावर प्लांट से आपके घर तक कैसे पहुंचती है। सिंपल है, वायर ट्रांसमिशन होती है। ऑफ कोर्स वाईफाई तो इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं पहुंचेगा, वो बड़े बड़े खंबे, वो बड़े बड़े तारे जिनके थ्रू करंट आती हुई दिखती है, वही तार जिसके ऊपर एक ऐसे कौवा बैठा होता है, का का करता रहता, मतलब हमारे दिमाग में डाउट होती है कि भाई हम छू ले इस वायर को तो हम जल के मर जाएंगे। ये हर दिन चिड़िया इतनी सारी बैठी होती है, वो क्यों नहीं मरती इतनी सारी, क्या है उनके अंदर इतना कि भाई हम छू ले तो मर जाए, तो वो तना मरे। तो वही तारों के थ्रू आपके घर तक पहुंचता है। अब घर तक पहुंचने से जस्ट पहले क्या होती है वो देख लेते हैं एक बार। सर योर बैटरी इज वेरी सस्ता है शायद। हाँ इशिका जी, एवरीडे का बैटरी भी, एवरीडे बोल रहा हूँ तो यार वो तो अमूल स्प्रे हो गया, एवर रेडी का बैटरी बहुत सस्ता है। सही बोला आपने, बिल्कुल मेरा बैटरी सस्ता, सब सस्ते। तो हम आगे पढ़ें कि भाई मेन सर्किट विथ यूज क्या होती है, स्विचेस, अर्थिंग, थ्री पिन एंड प्लग सॉकेट, कलर कोडिंग ऑफ वायर्स एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस। इसमें कलर कोडिंग हो गया, अर्थिंग ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इस पूरे चैप्टर का, उसके बाद बाकी को आप डाल दो कहीं ना कहीं, ठीक है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कलर कोडिंग एंड अर्थिंग। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या है। तो आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी जो है इस खंभे से आती है। कितने लोगों के घर के आसपास ये खंबा है जल्दी बताओ चैट में, कितने लोगों के घर पे आसपास, घर के बाहर खिड़की उठाकर मुंह उठाकर देखा वो रहा खंबा, यहां देखा वो रहा खंबा, पीछे घर के अंदर भी एक खंबा, सबने देखा होगा ये खंबा भाई, एवरीवन मस्ट हैव सीन दिस वन खंबा, जिसको पता नहीं लोग ट्रांसफॉर्मर बुलाने जाते, हर खंबा इज ट्रांसफॉर्मर हर खंबा इज ट्रांसफॉर्मर, कुछ फट गया ट्रांसफॉर्मर फट गया होगा, सारे खंबे ट्रांसफॉर्मर होते हैं ना आपके लिए। सर बताओ, सर ड्यूरेसेल की बैटरी लगा दो, अरे ड्यूरेसेल की बैटरी पता कितनी खराब होती है, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि चीज़ों के अंदर के सामान उड़ जाते हैं। तो मुझे लोगों ने बोला हुआ है कि ड्यूरेसेल की बैटरी मत डाला करो, तो मैं नहीं डालता है ना, बोला हुआ है लोगों ने, ट्रांसफॉर्मर सब ट्रांसफॉर्मर है सर, नहीं हम गवार नहीं है, अरे वैष्णव जी ने बोल दिया, अच्छा ठीक है चलो कोई बात, सामने है ना डिंकी जी, हाँ ठीक है, सबके घर के सामने खंभा हुआ है। ठीक है, इस खंभे से आपको दिख रहा हो कि एक तार आपके घर के अंदर तक आती है, ये तार जो है उस तार को हम कहते हैं क्या कहते हैं, मेंस, क्या कहते हैं, मेंस, MAINS मेंस कहते हैं इसको, समझ में आई बात। तो क्यों मेंस बोलते हैं, क्योंकि यही वो मेन तार है, कितना दिमाग लगाया था लोगों ने, यही वो मेन वायर है जो आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी लेके आते हैं, उसको नाम करा हमने मेंस। दिमाग क्यों लगाना, क्यों लगाना दिमाग, मेन वायर मेंस, एग्जैक्टली जे मेंस। इसके बाद अगर आपके घर से कोई वायर जाएगा किसी और के घर पे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडवांस्ड, समझे, हार्दिक जी समझ गया हार्दिक जी आप, है ना, यू गेट द आइडिया, सो इट्स कॉल्ड एज मेंस। तो अब मेंस के बाद कहानी क्या होती है बताता हूं आपको। ठीक है, खंबे से मेंस के थ्रू आपके घर के अंदर एक KWH मीटर होता है, उस KWH मीटर के थ्रू फिर आपका फ्यूज होता है, उस फ्यूज के बाद आपके घर के अंदर वायर्स निकलती है और ये सारी ट्यूबलाइट्स फैंस वगैरह सारी चीजों में कनेक्ट होती है। और या तो आपके पास तरीका होता है कि भाई इस फ्यूज के थ्रू ही अर्थिंग कर दो, या तो स्विचेस को अर्थिंग में कर दो, दो तरीके का अर्थिंग होता है। ठीक है, तो आज हम समझने वाले इसी प्रोसेस को, इनमें से हर एक एलिमेंट को तोड़ के फोड़ के निचोड़ के समझ लेंगे एक घंटे के अंदर। ठीक है, सही यही है। चलो अभी खंबे से आने वाली मेंस को थोड़ा सा परखते हैं,
थोड़ा सा जानते हैं, क्या कहते हो? अगर रेडी हो तो बोलो बल्ले बल्ले, लेट्स गो फॉरवर्ड देन। भगाओ आगे निकलेंगे, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है? वैष्णव जी, आई अंडरस्टैंड दैट सीबीएसई, यू हैव नो आइडिया व्हाई यू आर वॉचिंग दिस, आई थिंक यू जस्ट लव मी अ लॉट, जस्ट किडिंग, टेक योर टाइम ऑफ, इट्स ओके, आई एम प्रीटी श्योर इंग्लिश इज अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, सॉरी अमित अरोरा सर, ठीक है? बल्ले बल्ले, जोर से बोलो बल्ले बल्ले, ज्यादा वक्त नहीं पर बात करूंगा, आप लोग अभी एग्जाम है। हेलो हेलो दीपा जी, जो बच्चे हमारे ऐसे नॉर्मल वीडियो देखेंगे बल्ले बल्ले जरूर बोलना। सर बोर्ड्स कल से हैं और साइड वाले घर में ढोल बज रहे हैं, अरे टैलेंट जी बंद करवाओ उनको, बंद करवाओ। बल्ले बल्ले, ठीक है जानू सर, कल के लिए डर लग रहा है। अरे आप बीटीएस आर्मी जी, आधे मार्क्स तो डर के वजह से ही कट जाएंगे, तो क्यों मौका देना डर को, ऐसा मत दो, ठीक है? चलो ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ देखते हैं, ठीक है? तो अब खंबे को थोड़ा जांचते हैं, थोड़ा सा मेन से वाले समझते हैं। मेन से जो वायर आता है उसके अंदर दो और वायर्स होते हैं, द वायर्स विच कम फ्रॉम द पोल, उस मेन्स के अंदर, ये जो आपका मेन्स है ना, इस मेन के अंदर दो और वायर होती है, ठीक है? मैं तो कलर थोड़ा बदल देता हूँ इसमें, आ जा मुन्ना, अरे मुन्ना मुन्ना मुन्ना, ठीक है? ये जो मेन्स है ना, इस मेन्स के अंदर दो और वायर होती है। अब वो दो और वायर क्या होती है बताता हूं मैं आपको, पता होगा, गैस मारो क्या क्या है भाई उसके अंदर है, दो वायर, इसका एक का नाम होता है सप्लाई वायर, क्या होता है? सप्लाई वायर, और दूसरे का नाम होता है रिटर्निंग वायर। क्या बोला मैंने? एक वायर होता है आपका सप्लाई वायर, दूसरा होता है रिटर्निंग वायर। अब गेस करो सप्लाई वायर में क्या होता होगा, रिटर्निंग वायर में क्या होता होगा, नाम समझ में आ गया होगा, इंग्लिश तो हम सबको आती है। सप्लाई वायर में करंट इस मेंस के थ्रू आपके घर के अंदर आती है, सप्लाई होती है, ठीक है? सप्लाई होती है, ठीक है? और अब ये लो लाइव वायर अभी घर के अंदर आई, घर का पूरा एक चक्कर लगा कि ये करंट वापस भी तो जाना चाहिए ना, वरना सर्किट थोड़ी ना कंप्लीट होगा, इतना तो कॉमन सेंस हमारे पास है। सीबीएसई वालों में नहीं होता, मैं समझता, सॉरी सीबीएसई, पर आईसीएस वालों को दिमाग है ना भाई, कि भाई एक स्विच है, स्विच के ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब स्विच कनेक्ट करोगे तो बल्ब को स्विच से भी कनेक्ट करना पड़ता है, सर्किट शुड बी कंप्लीट। तो अगर एक वायर आपके घर के अंदर गई हो तो वो वायर घूम कर फिर बाहर निकलनी भी चाहिए, करेक्ट, क्लियर, डन। तो सप्लाई वायर होती है जो करंट आपके घर के अंदर लाती है, ठीक है? और एक दूसरी वायर होती है जो आपके घर के घर से बाहर करंट को ले जाती है। तो सप्लाई वायर में, ठीक है, सप्लाई वायर में, और ये जो होता है इसको कहते हैं रिटर्निंग वायर। अब मुझे एक बात बताओ, सप्लाई वायर में करंट नहीं होगा तो क्या आपके रिटर्न वायर में करंट होगा? जल्दी बताओ। शिवासी जी बिल्कुल सही, डिंकी जी क्या हो गया भाई बताओ यार, इतने सारे तो डिंकी हैं, पता नहीं सही सच में डिंकी कौन है, नहीं होगा ना, करेक्ट, यू गाइस आर वेरी क्लियर आइडिया, यहाँ पे कोई तो कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे होगा सर, जब आने वाले ही बस में पैसेंजर्स नहीं होते, फिर जाने वाले बस में पैसेंजर्स कैसे होंगे, है ना? थैंक यू सो मच, यू गॉट इट राइट। सो इफ देयर इज नो करंट इन द सप्लाई वायर, देन देयर इज नो करंट इन द रिटर्निंग वायर। तो इस वजह से वी कैन कॉल द रिटर्निंग वायर एज ए न्यूट्रल वायर, क्योंकि उसमें करंट नहीं होगा अगर आपके सप्लाई वायर में करंट ना हो, तो इट्स अ न्यूट्रल वायर। क्या कहते हैं इसको? न्यूट्रल वायर। व्हाट डू वी कॉल इट? न्यूट्रल, क्योंकि इफ देयर इज नो करंट इन द सप्लाई वायर, देयर इज नो करंट इन द न्यूट्रल वायर, हेंस इट हैज नो चार्जेस, हेंस न्यूट्रल, डन, न्यूट्रल वायर हो गया, ठीक है? अब सप्लाई वायर वो वायर है जिसके अंदर से करंट ऐसे तोड़ते 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 आपके करंट के अंदर करके अंदर आती, तो उसके वजह से आपके घर में जान आती है, आपके वायर में जान आती है, आपके बल्ब में जान आती है, आपकी जिंदगी में जान आती है, आपके फोन में जान आती है। तो इतना जान 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 हो गया कि हमने सप्लाई वायर को लाइव वायर ही बुलाना स्टार्ट कर दिया। क्या बोल दिया? जान का ऑप्शन है लाइव, लाइव वायर, समझे? No, I'm just kidding. It's just the reason behind this is simple. It is the wire which carries the current in your house and it's called as the live wire. But of course, याद करने के लिए आपको कुछ तो चाहिए होगा, तो ये मैंने तरीका बता दिया आपको, ठीक है? So supply wire is also called as the live wire and the neutral wire and the returning wire is called as the neutral wire. तो आज से हम इसे supply wire और returning wire नहीं बोलेंगे, लंबा हो जाता है, हम इसे सिर्फ live wire और neutral wire बोलेंगे, ठीक है? Clear हो गया? चलो अब supply wire, neutral wire के बारे में थोड़ा और जानते हैं। क्या मुझे कोई बता सकता है कि भाई सप्लाई वायर और न्यूट्रल वायर, यानी कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? कोई बता सकता है मेरे को? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर? थैंक यू सो मच प्रीति, बल्ब में जान आपत्ति है ना मध्यांशी? सही बोला आपने सर, अगर करंट लौटती है फिर बिल क्यों दे देते हैं?
बेटा सर्किट कंप्लीट होने करंट की जरूरत होती है, करंट लौटती तो जरूर लेकिन उसकी एनर्जी तो आपने कंज्यूम कर दिया ना ऑलरेडी। 1.5 मीटर, हे व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डा, आई एम नॉट आस्किंग व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, आई एम हे भगवान आईसीसी वालों क्या चल रहा है जिंदगी में, जब मैं बोल रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस आप हाइट डिफरेंस क्या बता रहे हो, 1.5 मीटर जीरो। श्रीवास्तव जी आपसे उम्मीद थी मेरे को, जीरो वोल्ट इज द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा टेल मी इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो व्हाई वुड द करंट मूव, व्हाई वुड द करंट गो फ्रॉम लाइव वायर टू न्यूट्रल वायर, व्हाई वुड इट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, लेट्स थिंक अबाउट दैट। सर ये सीबीएसई वाला था हमको नहीं पता, हाँ नहीं पता होना चाहिए बेटा, ये हर 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 बच्चे का जनरल नॉलेज है भाई, 220 वोल्ट होता है डिफरेंस, 220 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट विच वी ऑल गेट करंट इन अवर हाउसेस इन द कंट्री इंडिया। नाउ इफ यू आर इन यूएस यू विल गेट इट 110 वोल्ट्स, इन इंडिया यू विल गेट इट एट 220 वोल्ट्स, प्लीज रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली, थैंक यू सो मच आर टैलेंट जी। हाँ अब जितनी इज्जत थी आप लोगों के लिए ना मेरे अंदर ऐसे 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 गिर गई जब लोगों ने जीरो वोल्ट बोला कि बेसिक्स ही तो फिर बिगड़ गया चौधरीयों। हाँ एग्जैक्टली शिवास्तव जी निकल गया, नहीं चला गया, चला गया इज्जत, इज्जत तो दौड़ के जा रहा है, इज्जत शिवास्तव जी का इज्जत दौड़ के जा रहा है ऐसे तो 220 वोल्ट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। अब लाइव वायर को आप पॉजिटिव वायर भी बोल सकते हो, न्यूट्रल वायर को आप नेगेटिव वायर भी बोल सकते हो, क्योंकि भाई वी फॉलो कन्वेंशनल करंट राइट, सो व्हेन यू फॉलो कन्वेंशनल करंट इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, सो वी अज्यूम दैट द पॉजिटिव चार्जेस फ्लो थ्रू द लाइव वायर एंड आफ्टर ऑल द यूसेज ओनली नेगेटिव चार्जेस आर लेफ्ट व्हिच कम आउट ऑफ द रिटर्निंग वायर, दैट्स व्हाट वी थिंक ऑफ, बट इट्स ओके, इट्स नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, ठीक है, बट इन जनरल याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओ क्विज आ गया, अब इसका जवाब आप देख सकते हो अगर आप हमारे इस सेशन में बैठकर देख रहे थे, आप लोग जुड़ पाए क्या, नहीं ना जुड़ तो नहीं पाए होगे, तो चलो मैं जवाब इसका जो चैट में ले लेता हूँ, चलो बच्चों जवाब दो चैट में जल्दी से। आई एम सेवंथ क्लास आई कैन इवन अंडरस्टैंड दिस बिकॉज ऑफ यूर, थैंक यू सो मच यशवंत जी, रियली मीन्स लॉट यार, दैट मीन्स लॉट। सो द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन आवर हाउस आर कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल, ईदर इन सीरीज और पैरेलल, बोथ इन सीरीज एंड पैरेलल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना बिफोर वी गो अहेड। हमें मेंस के बारे में बस इतना ही समझना था, यू गॉट द आइडिया अभी, ठीक है, इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर नहीं करना है। अब घर के अंदर घुसने वाले हैं, मेन से आपके मीटर तक करंट वायर आ गई, अब इसके आगे घुसना है तो समझना पड़ेगा कि ये क्या है, क्या जवाब है इसका, ऑप्शन बी पैरेलल, पैरेलल है पक्का, ठीक है देख लेते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पैरेलल, ये आपके बुक में तो दिया हुआ है बट मैं ऐसे मानूंगा नहीं, आईसीसी और सीबीएसई के हिसाब से पैरेलल इज द करेक्ट आंसर विच इज ओके ऑल राइट, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट। Why? Because it's a combination of series and parallel circuit. It's just not parallel. It is just not parallel. It's a combination. मैं बताता हूँ क्यों, मुझे अब एक बात बताना, ठीक है, जो आपका मेन फ्यूज होता है, मेन फ्यूज सबके घर पे मेन फ्यूज, दरवाजा खोलोगे ऊपर ऐसे ब्लू रेड कलर का ऐसे बड़े बड़े स्विचेस लगेंगे, नॉर्मल स्विच जैसा नहीं होता, वो ऐसे ऊपर नीचे करने वाला स्विच होता है, देखा है आपने, देखा हुआ है कि नहीं, है ना शिखा जी, आई नो देखा हुआ है ना। अब मुझे बताओ अगर उसमें से अगर मैंने एक स्विच ऑफ कर दिया तो सब ऑफ हो जाता है, दो तीन जगह पे ऑफ हो जाती है, मेन पावर सप्लाई कट हो जाती है ना, करेक्ट, पैरेलल होता तो कट होती अगर, हाँ एमसीबी, हाँ तो मैं बोलना नहीं चाहता था एमसीबी क्योंकि पढ़ा नहीं हमने, हाँ अगर पैरेलल होता तो कट होती, नहीं होती कट, एक स्विच से सारे बल्ब कट नहीं होते अगर पैरेलल होता तो, है ना, हाँ तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, मैं सिंपल सा बताया, मैं जो एग्जांपल दूं वो भी गलत भी हो सकता है क्योंकि मैं इलेक्ट्रिशियन तो हूँ नहीं, बट यू गेट द आइडिया करेक्ट, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, बट ये 10th ग्रेड तक बच्चों को बताया नहीं जाता है, ऑफकोर्स ये बात है, आप ग्रेड 1 वालों को जाके नहीं बोल सकते हो वॉट इज 3-4, वो तो बोलेगा 1 है, उसे थोड़ी ना बोल सकते कि माइनस 1, फिर आपको समझाना पड़ेगा नंबर लाइन क्या होता है, वो तो आप 7th ग्रेड 6th ग्रेड में पढ़ते हो करेक्ट, सो यू कैन नॉट गो फॉरवर्ड, सो 10th ग्रेड वालों को भी समझाना नहीं पड़ेगा कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे यूज करते हो, वो नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए, ठीक है, तो गेट द आइडिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो नाउ वी एंटर इनटू द हाउस, और जब घर के अंदर हम घुसते हैं तो दीज आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ हाउस वायरिंग सिस्टम, पहला होता है आपका फ्यूज, फ्यूज से भी पहले एक चीज होती है जो अभी हमने देखा वो था आपका KWH मीटर, इसके बारे में भी जानेंगे हम, मैं फिर आपको समझाऊंगा कि क्यों इसको हथौड़े से फोड़ देना चाहिए, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैज टू बी ब्रोकन डाउन विद एन हैमर, ठीक है, आपको इतना गुस्सा आ गया इस पर कि आप मार डालोगे इसे, ठीक है, उसके बाद फ्यूज आती है, फिर स्विचेस आती है, अर्थिंग यहां पे भी अर्थिंग आ सकती है अगर आप चाहो तो, हम समझेंगे इसके बारे में, डोंट वरी अबाउट इट, फिर स्विचेस में से आपके प्लग और सॉकेट के थ्रू आपको करंट मिलती है, ठीक है,
चलो भाई समझते KWS मीटर के बारे में सबसे पहले, आ जाओ भाई ठीक है। तो मेंस से लाइव और न्यूट्रल वायर दौड़ते हुए आपके मीटर तक आए, इसको आप बोल सकते हो KWH मीटर। क्या है भाई KWH, बताना चैट पे, व्हाट इज KWH, यू स्टडीड दिस इन इलेक्ट्रिसिटी, जल्दी बताओ। ओ थैंक यू सो मच कुणाल, इट शुड बी पैरेलल बिकॉज इट पासेस मोर करंट। हाँ फातिमा जी ऑफकोर्स, देर आर लॉट ऑफ सर्किट्स इनसाइड द हाउस विच पासेस लॉट ऑफ करंट, लॉट ऑफ लेस करंट ऑल्सो, यस इट इज किलो वॉट आर, है ना। तो दिस इज द किलो वॉट आर मीटर, किलो वॉट आर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। सो वॉट इज दिस मीटर एक्चुअली डूइंग, इट्स एक्चुअली मेजरिंग हाउ मच करंट आर यू यूजिंग, समझे। KWH meter is the meter which measures how much energy, electrical energy you are consuming. तो यही वो बंदा है जो आपका महीने का 2000 या 3000 का बिल निकाल कर देता है, समझे। यही वो बंदा है जिसमें से कुछ लोग ऐसे एक्स्ट्रा एक वायर जोड़ देते हैं ताकि फॉल्ट हो जाए। यही वो बंदा है जो कुछ लोग यहां में से वायर काट देते हैं ताकि बिल कम आ जाए। यही वो बंदा है जिसको खोल कर अंदर से एक सर्किट को निकाल देते हैं ताकि बिल कम आ जाए। इसी बंदे के साथ इलेक्ट्रिसिटी का सारा एक्सपेरिमेंट लोग करते हैं। एग्जैक्टली करेक्ट हार्दिक जी, ना रहेगा मीटर ना रहेगा बिल। फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जब आते चेक करने के लिए कि इस बुड़बक का इलेक्ट्रिसिटी बिल अचानक से एक महीने में कम कैसे हो गया भाई, सोसाइटी से 1,00,000 रुपए हर महीने निकलता था, अब सिर्फ 95,000 आ रहे हैं, ये 5,000 कमा कौन रहा है इतना। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला आके अपने रूटीन चेक में देखते हैं कि ओ बड़े तेज निकले आप तो, हैं इंजीनियरिंग करके आए हो क्या, वेदांत में पढ़े हो आप, आके ऐसे प्यार से वायर को निकालते और एक बिल बांटते हैं। फिर वो ये रहा आप लोगों के 5,000 रुपए का फाइन, लो भरो। मजाक नहीं कर रहा हूं, 5,000 रुपए का फाइन है अभी। श्रीवास्तव पूछ रही है क्या आप उन लोगों में से है कि नहीं, मैंने करते हुए देखा हुआ लोग, आई हैव सीन मेनी पीपल डूइंग दिस एंड आई हैव हर्ड मेनी पीपल डूइंग। मेरे पापा कहते हैं अरे उसने वायर निकाली है, समझ जाना वायर निकाली मतलब समझ जाना। या मेरे घर पे जब मैं अंडमान में था तो मेरे घर के कंबे से कोई और ले जाता था करंट, हमारा ही बिल फटता था, समझ रहे। सो वी हैड, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग इन इंडिया, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग इन इंडिया, किसी और के कंबे से तार निकालना, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग इन इंडिया, ठीक है। सो वी गेट द आइडिया राइट पीपल, सो दिस इज दैट मीटर। Now I hope you understand why this meter is kept on in the front, the first thing that before reaching your house, because इसके आगे जो भी चीज हो रही है वो आपके घर के अंदर हो रही है, तो घर actually कितना current निकाल रहा है वो इसी से पता चलेगा आपको, ठीक है। That's why it is the first point of contact. तो यहां में से आपका फिर live और neutral wire आपके fuse में जाता है। अब शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि भाई fuse का काम क्या है। Do I have to tell you कि fuse का काम क्या होता है? पीपल बताने की जरूरत है मुझे? पढ़ लिया मैं इलेक्ट्रिसिटी मेरे ख्याल से, इसको नहीं पढ़ा तो और एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। व्हाट डज द फ्यूज डू? फ्यूज का काम ही होता है फ्यूज होना, है ना। बट उस फ्यूज कैसे होता है उसको हम समझते हैं अभी यहां पे थोड़ी देर पे। नाउ आफ्टर दिस, ये जो लाइव और न्यूट्रल वायर निकला, फ्यूज में आने के बाद वहां पर कुछ और चेंजेस होती है। यहां पर ये दो वायर शायद 3 वायर बन सकती है, कैसे देखते हैं, ठीक है। सो व्हेन वी गो फॉरवर्ड राइट नाउ, द वायर्स व्हिच आर यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट्स, अगर आप कोई भी वायर को उठाकर ऐसे काट कर देखोगे, यू विल फाइंड आउट 3 different wires. वन वायर यू नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ब्राउन इन कलर, द अदर वायर इधर अ ग्रीन कलर और अ मिक्स ऑफ ग्रीन एंड येलो, द अदर द थर्ड वायर ऑल्सो ब्लू कलर, ठीक है। अब ये वायर्स कौन कौन से और कैसे कैसे हम देख लेते हैं, ठीक है। इज दैट वोल्ट मीटर? नो नो वृंदा जी, नॉट येट, इट्स नॉट अ वोल्ट मीटर, ठीक है। नाउ द ओल्ड कोडिंग सिस्टम of wires were very simple. जब आप एक वायर काटोगे, अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हो या तो एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, अगर आप वायर काटोगे, आप वायर काटते हो देख समझ जाओगे कि भाई कौन सा वायर कौन सा है। कैसे भाई? लाल वायर, लाल वायर मतलब खतरा, ठीक है, जिसमें मतलब करंट है, लाइव वायर खत्म, ठीक है। ब्लैक वायर था पहले, ब्लैक वायर मतलब सबसे न्यूट्रल कलर, इज ब्लैक न्यूट्रल वायर, ठीक है। ग्रीन कलर वायर, ग्रीन कलर मतलब नेचर अर्थ, बहुत ईजी याद रखना, बहुत इजी याद रखना भाई, बहुत इजी। क्या था? लाइव वाज रेड इन कलर, न्यूट्रल वाज ब्लैक इन कलर, और उसके बाद अर्थिंग वाज ग्रीन कलर, वाज सो डैम इजी टू रिमेंबर।
बट ये बात आपके बोर्ड वालों को पसंद नहीं आई, ना ये बात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों को पसंद आई, ना ये बात आपके आईसीसी या तो सीबीएसई वाले बोर्ड को समझ पसंद आई। देर लाइक नहीं यार, बच्चों को पढ़ने के लिए इतना ईजी तो नहीं होना चाहिए, चलो इनको कन्फ्यूज करते हैं। अब मेरे पास कोई आइडिया नहीं है वाई द हेल डू दिस हैव दैट कलर। लाइव वायर इज नाउ ब्राउन इन कलर, न्यूट्रल वायर इज ब्लू इन कलर, अर्थ इज नाउ अ मिक्सचर ऑफ ग्रीन एंड येलो। येलो सूरज कि सुबह सुबह अगर हम मुंबई बीच में जाएं या तो चेन्नई के बीच में जाएं, मरीना ड्राइव में जाएं, तो फिर लोगों करते हुए देखोगे वो येलो। व्हाट इज दिस येलो? नो आइडिया। हे आकाशी व्हाट्सअप, डू यू हैव एन आइडिया? आकाश, वी हैड लॉट ऑफ कलर्स इन लाइफ ऑलरेडी, आई हैव नो आइडिया व्हाई सो मेनी मोर कलर्स। ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों पे बहुत भारी पड़ गई और ये एक आईसीसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है। प्लीज नोट इट डाउन पीपल, दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आईसीएसई। व्हाट इज द ओल्ड कलर कोडिंग सिस्टम ऑफ वायर्स एंड व्हाट इज द न्यू कलर कोडिंग सिस्टम ऑफ वायर्स? ठीक है, तो लाइव वायर इज ब्राउन इन कलर, न्यूट्रल इज ब्लू इन कलर एंड अर्थ इज अ मिक्सचर ऑफ ग्रीन एंड येलो। ठीक है, याद रखना आपको बहुत क्लियरली। ठीक है बेटा, चलो नोट कर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन वायर्स के थ्रू आपका मतलब, ठीक है, इन वायर्स के थ्रू होता क्या है बताता हूं मैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि यहां का अर्थिंग क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इन फ्यूज वायर में से, इस फ्यूज में, फ्यूज का काम क्या होता है वो बताते हैं बाद में, लेकिन यहां पर एक और वायर आप चाहो तो जोड़ सकते हो, हरा कलर का। कौन सा है भाई वो? हरा कलर का जो वायर सीधा जाएगा आपके जमीन के अंदर, जो वायर आपके सीधा जमीन के अंदर जाएगी। ठीक है, इसका काम क्या होता है यार, क्या काम होता है इसका? मान लो फ्यूज के अंदर, फ्यूज सिस्टम के अंदर आपका करंट, ये जो लाइव वायर है ना, अचानक से ऐसे कट कर करंट लीक होने लग गया। ठीक है, या तो करंट आपके मेंस के थ्रू ही ज्यादा आने लग गए, अचानक से बढ़ गए। ठीक है, या तो फिर वो होते हैं ना कॉकरोचेस, या तो छुए बहुत होते हैं यार, उनको पता नहीं इलेक्ट्रिकल डिवाइस से क्या इतना प्यार है। आपने देखा ठंडी के मौसम में कोई कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर चींटियां भर जाती है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बहुत ज्यादा ठंडी होती है, व्हेन दे आर नॉट इन यूज, मेटल्स है ना, तो दे बिकम रियली कोल्ड, तो सारी चींटियां घुस जाती है उसमें, एंड दिस अट्रैक्ट्स ऑल दी कीड़े मकोड़े, चूहे, कॉकरोचेस, एवरीवन। मैं पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ आज, हाउसल सर के साथ बहुत कुछ पढ़ा रहा हूँ। कहती है आइडिया सर, जमीन में करंट आ जाएगा। अरे आने तो दो रहा जी, वही तो चाहिए, वही तो चाहिए कि जमीन में करंट आए। ठीक है, तो उन लीकेजेस के वजह से अगर कोई, मेरा और आप जैसा कोई बुड़बक, पता नहीं बिना कोई सेफ्टी के जाकर ऐसे फ्यूज बॉक्स को छुएगा तो हो जाएगा, वो पहुंच जाएगा भगवान के पास सीधा, कोई पूछेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा किसी को, कोई आएगा दूर से देखेगा कि कौन पड़ा हुआ है यहां पे, शायद आप पड़े भी नहीं होंगे, शायद अभी भी वहीं पे चुपके हुए होंगे, एंड फिर वो आपको आपको छुएंगे, फिर उनको भी शॉक लगेगा, कंडक्टर हम भी बहुत अच्छे कंडक्टर, हमसे ही पास होता रहेगा करंट, समझ रहे हो? तो एक साथ बहुत लोगों पर ले जाएगा वो। तो ऐसे बुड़बकों से बचने के लिए, ऐसे बुड़बकों से बचने के लिए क्या किया हमारे इलेक्ट्रिशियंस ने, कि इस फ्यूज बॉक्स के नीचे एक मेटल की प्लेट लगा दी, मेटल की प्लेट लगा दी विथ वेरी लो रेजिस्टेंस। तो इस फ्यूज वायर में जो भी यू नो लीकेज होगा, जो भी एक्स्ट्रा करंट होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, सब बहकर इसके अंदर जमा हो जाएगी, सब बहकर इसके अंदर जमा हो जाएगी, करेक्ट। अब उस मेटल बेस के बाद, उस मेटल प्लेट से हमने एक वायर जमीन को डाल दी, जमीन मतलब हमारे भूमि, धरती के अंदर डाल दी हमने, थोड़े से एक 3 फीट गड्ढे के अंदर हमने बनाकर डाल दी, काफी अच्छा गड्ढा ताकि करंट बाहर ना आए, वरना वही बच्चा बोल रहा था सर जमीन में करंट हो जाए, करंट होने दो भाई, कौन सा जमीन इतना है, हमारी धरती इतनी बड़ी है, 6,400 किलोमीटर का रेडियस हमारा, चिंता क्यों करना है। ठीक है, सो 3 फीट नीचे एक पोल डाल देते हैं, क्या करते हैं, एक मेटल कंडक्टर डाल देते हैं और उस मेटल कंडक्टर के आसपास एक ऐसा कंपाउंड डालते हैं जो नॉन कंडक्टिव है, उसके बाद फिर वो टैंक सील किया जाता है विद मड। ठीक है, तो जो भी करंट तो ये जो वायर है, अर्थिंग वायर जो होती है, सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस होती है आउट ऑफ लाइव एंड न्यूट्रल। तो मेटल बेस में जो भी करंट आपका एग्जीक्यूट मतलब चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, वो सब अर्थिंग वायर के थ्रू नीचे आते हुए उस जमीन के अंदर घुस जाता है। अब कोई भी बुड़बक मेरे और आप से जाकर उस फ्यूज को छुएगा, कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सारा 400 निकल चुका है, जो भी लीक करंट है वो तो जा चुका है, नहीं होगा कुछ, बच गया,
समझे अभी समझे. नाउ कैन यू ऑल टेल मी व्हाट आवर एंड दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग द करंट टू द अर्थ इज कॉल्ड एज अर्थिंग. बट डू यू गाइस नो व्हाट इज दिस अर्थिंग कॉल्ड एज, दिस स्पेशल अर्थिंग कॉल्ड एज. तुषार जी आप बताओ क्या है भाई इस अर्थिंग को क्या कहते हैं. कार्तिक जी हाय. आयु जी फिलहाल तो 40-40 पे चल रहा है यार, देखो अभी आप क्या डिसाइड करते हैं. बोर्ड्स वाले इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो गए. हाँ अर्थिंग, हाँ अर्थिंग तो कहते हैं लेकिन इस अर्थिंग को क्या कहते हैं. देर इज वन डिफ, दिस इज वन सॉर्ट ऑफ अर्थिंग. कोई पता है किसी को, पता है जल्दी बताओ. शौक खाने का शौक है. लोकल अर्थिंग, ये लोकल अर्थिंग होता है क्या. इज दिस लोकल अर्थिंग स्पेशल वन. बिंकी जैसे कि सर मुझे अच्छा, मुझे शौक अच्छा लगता है लेकिन थोड़ा सा कम लगेगा लगेगा. नो वन नोज द नेम ऑफ दिस अर्थिंग. भाई आता है एग्जामिनेशन में व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ अर्थिंग, लिखो. मैंने बताया अर्थिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. आज आप फंसा रहे हैं. अरे मैं कहां फंसा रहा हूं आज. आप फंस रही हो श्रीवास्तव जी. आज गलत जवाब देकर आप फंस रही हो. सो मैं बताता हूं इसका नाम क्या है. वंस वी अंडरस्टैंड अर्थिंग इनसाइड इट, ठीक है. तो अभी अर्थिंग को वहां पे रोकते हैं. इसका नाम क्या है समझते हैं थोड़ी देर में, समझेंगे. फिलहाल ये रोकते हैं, ठीक है. चलो अब यहाँ पे आपको समझ में आया कि भाई मैं फ्यूज में भी अर्थिंग कर सकता हूँ. लेकिन बहुत सारे लोग थोड़ा चौड़े होते हैं, समझ रहे हो. वो भी लाइक हमको फ्यूज से फर्क नहीं पड़ता, जाने दो करंट आने दो, हम देख लेंगे, ऐसे थोड़ा सा होते हैं, ठीक है. तो वो यहाँ पे अर्थिंग नहीं करते, वो सीधा उनके घर के अंदर प्लग के अंदर अर्थिंग करते हैं, ठीक है. समझेंगे कि भाई क्यों, वो क्यों करते हैं, वो कैसे होगा, कैसे होगा. हर सर एग्जैक्टली हार्दिक बिग द, अरे समझ गया आप लोग किसकी बात कर रहा था. अरे मैंने तो दान भी बाहर नहीं निकाला इस बार, मैं तो वो भी नहीं किया. आपको फिर भी समझ आ गया. अरे शेयर यार आप लोग शेयर. दिव्यांशी जी हैव ऑल माय ब्लेसिंग्स डोंट वरी, ठीक है. तो ये सीन है यहाँ पे. चलो अब समझते हैं कि भाई फ्यूज का क्या काम है, ठीक है. अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके फ्यूज का क्या काम है. मान लो कभी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों को आपसे ज्यादा प्यार आ गया, आपके ऊपर ज्यादा प्यार आ गया. कितने अच्छे बच्चे हैं, एग्जामिनेशन का टाइम है, थोड़ा ज्यादा करंट देते हैं, है ना. क्या कहते हैं, थोड़ा ज्यादा करंट देते हैं, थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे. तो मेन से क्या होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा करंट आने लग जाता है, बहुत ज्यादा करंट आने लग जाता है. लेकिन वो ज्यादा करंट अगर आपके मोबाइल फोन तक या तो बल्ब या तो फैन तक पहुंच गया तो वो सारे उड़ सकते हैं. क्यों, क्योंकि उनका कैपेसिटी उतना नहीं, सब उड़ सकते हैं. आते आयुष जी आते हैं उस पर, समझ रहे हो. सो बोथ द सिचुएशंस वर हाइपोथेटिकल. क्यों, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ने वाला आपके ऊपर कोई प्यार नहीं आ रहा, ठीक है. और दूसरा ये चीज होने नहीं वाली, क्यों, इसलिए आ जाता है बीच में फ्यूज. फ्यूज जो है एक पर्टिकुलर टाइप का वायर होता है जो आपके लाइव वायर के साथ जुड़ जाता है. और जब ज्यादा करंट आपके फ्यूज में आती है, क्योंकि ऐसे लाइव वायर से करंट आ रही है और ये फ्यूज के अंदर जाती है, तो फ्यूज का जो वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट आपके लाइव वायर से थोड़ा कम होता है, ठीक है. लेकिन उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है. तो लाइव वायर से क्योंकि थोड़ा कम होता है, आपके लाइव वायर से ज्यादा वो पहले मेल्ट हो जाता है. इसको हम कहते हैं फ्यूज हो जाना, मेल्ट होने को हम कहते हैं फ्यूज हो जाना. तो अगर वो फ्यूज हो गया तो भाई इसके आगे कोई करंट नहीं जाएगी ना, फिर मतलब आपका घर बच गया. कैसे फ्यूज जाता है वो, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है हमने, करेक्ट ना. दैट्स ऑल, दैट्स हाउ द फ्यूज वर्क्स. मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास कुछ बहुत अच्छे एनिमेशन हैं, डोंट वरी. हाँ लाइव वायर समझ गया आप, न्यूट्रल वायर समझ गए, अर्थ वायर समझ लिया हमने बबुआ. हाँ फ्यूज पे आ चुके हम. ये आपका फ्यूज हो, आपका ट्रेडिशनल फ्यूज ऐसे दिखता है, ठीक है. यू कैन सी दिस इज द ट्रेडिशनल फ्यूज. इस फ्यूज के अंदर हम यहाँ पे ऐसा एक यू नो फ्यूज वायर जोड़ते हैं और उस और जोड़ने के बाद इसको फिर इसके अंदर लगा देते हैं. तो जब करंट एक्स्ट्रा आती है तो यहाँ से लाइव वायर जुड़ती है और यहाँ से भी फिर वो लाइव वायर कंटिन्यू होती है. तो करंट जब एक्स्ट्रा आती है तो ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाती है, तो इन दोनों कनेक्शन कट जाता है. लेकिन होता क्या था, क्योंकि पुराने जमाने का फ्यूज था, सो वी हैड टू टेक इट आउट. जला हुआ फ्यूज निकालते थे, फिर वो वायर दोबारा डालते थे, फिर उसके अंदर उसको घुसा के डालते थे. अभी भी बहुत जगहों पे होता होगा. तो यहाँ पे बहुत ह्यूमन एफर्ट लगता है, कभी कभी लोगों को बुलाना था क्योंकि लोगों को डर लगता है फ्यूज से भी. सो यू नो इट वॉज वेरी कम्बलसम जॉब. तो फिर उसके बाद फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने तो हाँ भाई क्या बात, हीटिंग एफर्ट ऑफ ना, ये एक्चुअल सिनेरियो जहाँ पे आपका फ्यूज वायर के थ्रू पूरी बिल्डिंग जड़ गई थी, समझ रहे हो. दिस इज एन एक्चुअल सिनेरियो व्हिच हैज हैपेंड. तो फ्यूज आपको बचाता है आपको, ठीक है. तो ये तो आपको समझ में आ गया. इसके बाद हाँ ऐसे जलती है फ्यूज, देख लो ध्यान से. अब ये जो आप फ्यूज देख रहे हो ये है कैटरेज वाला फ्यूज, दिखा देता हूं आपको एक बार. हाँ
ये वाले फ्यूज आपके कैटरिज के बाद जो पहले हमने देखा ना वो ट्रेडिशनल फ्यूजेस थे, उसके बाद फिर आपके ऐसे कैटरिज वाले फ्यूज आने लगे। कैटरिज क्या होता है, जैसे आप प्रिंटर के अंदर इंक बदलने के लिए डालते हो, या तो आपके फोन, आप फोन बोल रहा हो भाई, कोई भी चीज के अंदर बैटरी डालते हो, तो वैसे ये लग जाती है। तो ये कैटरिज आपको मिलती है सेपरेटली, आप लेकर घर के अंदर रख सकते हो, तो जब वो ये फ्यूज वायर बंद हो जाता है तो उसको निकाल के दूसरा कैटरिज लगा सकते हो। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस ईजी हो गया, लेकिन हम इंसान ठहरे बहुत लेजी, तो हमको ये भी कुछ ज्यादा जमा नहीं, तो हमने क्या किया, पूरा फ्यूज सिस्टम ही निकाल दिया। और उसके अलावा क्या कर दिया, हाँ ईशिका जी बहुत तेज निकली आप तो यार, हमने इसके अलावा लगा दिया आपका, अरे कहां दौड़ जाते हो, अरे लो लो आते हैं ठीक है, हाँ एग्जैक्टली चैट में जी बहुत बड़े। इसके बाद हमने लगा दिया एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब एमसीबी भी जैसे काम करता है वो के सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन इस साल से है नहीं, तो चिंता नहीं ठीक है। अब एमसीबी में क्या होता है हम आगे समझेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। एमसीबी में आप जैसे वही मैंने बताया था ना कि भाई जैसे आप घर के अंदर घुसते हो, आपके ऊपर में ऐसे टिन का टिन होता है, टिन को ऐसे खोलोगे आप, ऐसे टिन की लोहे की प्लेट होती है उसको ऐसे खोलते हो, तो फिर ऐसे बहुत सारे स्विचेस दिखाई देते हैं जो नॉर्मल स्विचेस नहीं, मतलब ऊपर नीचे करने वाले स्विचेस होते हैं, वो है आपका एमसीबी ठीक है। तो एमसीबी में आपको कॉमनली सुनने में आता होगा आपके पेरेंट्स से, अरे ट्रिप हो गया, अरे वोल्टेज ज्यादा हो गया, अरे ड्रॉप हो गया, अरे बंद हो गया, यही बोलेंगे सब, कॉमन लैंग्वेज इंडिया में है। तो आप जाकर फिर ऐसे ऊपर करते हैं तो फिर ऑन हो जाता है, करेक्ट। तो एमसीबी के इन्वेंशन के बाद लोगों को ऐसे वायर बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, ना कैटरिज बदलने की जरूरत पड़ी। तो एमसीबी करता क्या, एक बहुत ही स्पेशल तरीके से जब भी करंट का सप्लाई ज्यादा हो जाता है, एमसीबी अपने आप को अपने आप ऑफ कर देता है। जैसे एमसीबी ऑफ कर दिया घर के अंदर करंट बंद, ठीक है, फिर बस आपको जाकर उसे ऑन करना होता है, वेरी इजी। हाँ एमसीबी गिर गया, हार्दिक जी बिल्कुल सही कहा आपने मेरे पापा ये मेरे पापा तो मराठी में बोलते हैं, बट मेरी दीदी बोला करते, अरे गिर गया, सब गिर गए, सब गिर गया भाई, बोले कौन गिर गया, बाहर में क्यों गिरा गया, सब दौड़ते हैं दरवाजे के पास, क्योंकि दीदी भी खड़ी होती है दरवाजे के वहां पे, क्योंकि एमसीबी दरवाजे के वहां पे है ना, तो सब दीदी खड़े हो गए ऐसे बोल दिया, गिर गया, अरे गिर गया, हम सब दौड़ कर आते कौन गिर गया दरवाजे के बाहर, फिर पता चलता कि अरे भाई साहब ये तो एमसीबी गिर गया। थैंक यू सो मच अर्पिता जी, समझ रहे हो तो ये होता है एमसीबी वाला फंक्शन। अब एमसीबी के बाद फिर सारे वायर्स आपके स्विचेस वगैरह सब में आते हैं, बट उसमें आते हैं उससे पहले देर आर फ्यू कॉमन क्वेश्चन विच कम इन बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। थोड़ा इसको देख लो आप, श्रीवास्तव जी देख रहे हो, देखो वाई फ्यूज इज कनेक्टेड टू द लाइव वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि भाई सही लाइव वायर में क्यों कनेक्ट होता है ये आपका फ्यूज, क्या जवाब होगा। अच्छा लाइव वायर में कनेक्ट ना हो तो फिर कहाँ कनेक्ट होगा, न्यूट्रल वायर में, चलो न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करते हैं, लेट्स कनेक्ट द यू नो फ्यूज टू द न्यूट्रल वायर। तो ये आपका फ्यूज कनेक्टेड टू द लाइव वायर है, अब फ्यूज को कनेक्ट करते हैं न्यूट्रल वायर में, ठीक है, न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करते हैं आपके फ्यूज को। अगर मैं न्यूट्रल वायर में फ्यूज को खत्म रखूं तो आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आपके मेन से अप्लायंस तक करंट नहीं पहुंचेगी, हाँ है ना, करंट तो फिर भी आपके अप्लायंस तक आ रही है, यानी कि आपका बल्ब तो उड़ चुका है ऑलरेडी, आपका फोन तो ब्लास्ट हो चुका है ऑलरेडी, आपका हीटर तो पिघल चुका है ऑलरेडी, करेक्ट, पहुंचेगी करंट तो न्यूट्रल वायर में फ्यूज लगा क्या फायदा, काम तो हो चुका है ना, लड़की तो भगाई जा चुकी है, क्या होगा। तो इसलिए वी ऑलवेज कनेक्ट द फ्यूज वायर टू द लाइव वायर सो दैट द करंट डज नॉट इवन रीच द अप्लायंस एंड अप्लायंस इज सेफ। Now that people is a very important board question of ICSE 10th. Note that down. ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं next सवाल। सबका मैंने PDF डाला हुआ है वैसे। Now there is a option, there is a numerical which comes from you, which is current rating of a fuse. अब current rating of a fuse is derived from the same formula of power. Power का formula आप जानते हो, P is equal to VI है ना? We all know the formula of power, P is equal to VI. यहाँ से अगर मैं I का value निकालूँ तो मुझे मिलेगा I is equal to P upon V. यही formula आप देखोगे ऊपर। करंट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज इज इक्वल टू टोटल पावर ऑफ द अप्लायंस डिवाइड बाय वोल्टेज ऑफ द सप्लाई, दैट्स इट। ये पता है हमें फॉर्मूला, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, सो डोंट गेट पैनिक व्हेन यू सी और निकालो करंट रेटिंग, यही है फॉर्मूला, ठीक है। रोहित सैनी जी सेम ईयर, ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ अब आपके घर के अंदर, अब फ्यूज वायर के बाद फिर आप सीधा घर के अंदर आ रही है ना चीजें,
तो आपके घर के अंदर जब हम वायरिंग की बात करते हैं तो दो टाइप ऑफ वायरिंग होती है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि भाई रेफ्रिजरेटर का या तो माइक्रोवेव ओवन का या तो टीवी के स्विचेस और ये जो नॉर्मल लाइट और फैन के स्विचेस एक जैसे होते हैं? कि उनमें वो स्विचेस होते हैं जिनमें लाल कलर की बत्ती भी लगी होती है। बेटा आयुष, आईसीएसई का पेपर इजी होता है सीबीएसई से, क्योंकि सिलेबस ज्यादा होती है इसलिए। नहीं ना, सेम नहीं होता है। वो लाल कलर की बत्ती जलती है ना, एवरीवन हैज सीन दैट। एसी एंड डीसी है, है? नहीं नहीं बेटा, एसी एंड डीसी नहीं है इसमें कोई चेंज। देखा बस आपने लाल कलर की बत्ती। हाँ तुषार जी, एवरीवन मस्ट हैव सीन दैट ऑन द स्विच देयर इज अ रेड कलर लाइट इंडिकेटिंग दिस स्विच इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्विचेस। रेस्ट ऑफ द स्विचेस आर ऑल द अदर एक्टर्स एंड दिस इज शाहरुख खान और सलमान खान, समथिंग लाइक दैट, करेक्ट? हाँ। नाउ दीज स्विचेस आर मेड डिफरेंट बिकॉज दीज आर कॉल्ड एज द पावर स्विचेस। क्या कहते हैं इसको? पावर स्विचेस। क्योंकि इन स्विचेस के थ्रू करंट ज्यादा बहता है एज कंपेयर टू ऑल द अदर स्विचेस। अब मैं बताता हूं क्यों। आपके घर के अंदर या तो मेरे घर के अंदर देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्लायंसेस। जैसे आप यू नो मोबाइल फोन को ले लो, फैन को ले लो, लाइट को ले लो। लाइट और फैन दे वर्क फॉर जस्ट 5 एम्पियर्स, 5 एम्पियर में आपका सब काम करता है। लेकिन अगर आप अज्यूम करो कि आपका एक बल्ब और इतना बड़ा रेफ्रिजरेटर सेम करंट लेगा, तो आप और हम दोनों बेवकूफ हैं, करेक्ट? ऑफ कोर्स ही बात है कि बल्ब और रेफ्रिजरेटर थोड़ी ना सेम करंट ले सकता है। रेफ्रिजरेटर ज्यादा करंट लेगा, आपका वॉशिंग मशीन ज्यादा करंट लेगा, आपका एसी ज्यादा करंट लेगा, माइक्रोवेव ओवन ज्यादा करंट लेगा, टीवी ज्यादा करंट लेगा, ये सारे बड़े बड़े डिवाइसेस ज्यादा करंट लेंगे। तो इनके लिए आप वही सेम सॉकेट, वही सेम यू नो प्लग नहीं बना सकते हो एज एवरीथिंग। एंड दैट इज व्हाई दे हैव अ सेपरेट सेट ऑफ वायर्स एंड स्विचेस एंड प्लग्स एंड दे आर कॉल्ड एज द पावर सर्किट्स। व्हाट आर दे कॉल्ड एज? हाँ, गीजर भी बेटा, गीजर का भी देख लो। हाँ बिल्कुल प्रिंदा जी, गीजर स्विच इज अ परफेक्ट एग्जांपल। सो दिस सर्किट्स व्हिच वर्क फॉर 15 एम्पीयर्स ऑफ करंट दे आर कॉल्ड एज पावर सर्किट्स, एंड दीज सर्किट्स व्हिच वर्क विद जस्ट 5 एम्पीयर करंट दे आर कॉल्ड एज लाइटनिंग सर्किट्स। ठीक है, पावर सर्किट, लाइटनिंग सर्किट। लाइटनिंग सर्किट क्योंकि तेज, पावर सर्किट क्योंकि पावरफुल। आयुष जी कर तो सकते हो बेटा, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटर होगा कि सीबीएसई में कर लो। ठीक है, गॉट द आइडिया पीपल? दो टाइप ऑफ स्विच, दो टाइप ऑफ सर्किट्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बिफोर वी गो फॉरवर्ड लेट्स टेक अ क्विज राइट नाउ। सो अ फ्यूज इज अ शॉर्ट पीस ऑफ वायर ऑफ डैश मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, मीडियम मेल्टिंग पॉइंट, इधर हाई और लो। बताओ बेटा, बता दे हमने तो किया हुआ है ए बी सी और डी। हाँ पूजा जी नमस्ते सर, लेकिन करंट तो सेम आता है पूरे घर में। हाँ रायन जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आपके फ्यूज वायर तक सेम आती है, उसके बाद चीजें अलग होती है। वैसे यार सोच कर देखो, 220 वोल्ट पे करंट आ रही है आपके घर तक, कम लगता है क्या आपको? बी लो पक्का भूमिका, पूजा जी पक्का, मान्य जी, आटल जी हाँ शादी करे उनके घर पे। अच्छा शादी है उनके घर पे, अरे फिर तो आप भी जाओ ना। लो लो स्वास्तिक, सब लोग स्वास्तिक, ओके इट्स लो, इट्स परफेक्टली, इट्स करेक्ट, लो, बहुत बढ़िया बेटा। चलो आप लोग भाई समझ तो रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ए आ गया एमसीबी, ये इसको ढूंढ रहे हैं बहुत ऐसे। हाँ ऐसे दिखता है एमसीबी, देख लेना सबने। चलो ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कर ले हमने। हाँ अब एमसीबी में या तो फिर आपके जो स्विचेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। Now this is also a board examination question, so I would like all of you guys to note it down. Now there are two types of switches where one switch is called as the single pole switch and the other is called as the dual pole switch. Sir, aap shaadi kab kar rahe hain? Mujib ji, main to ready hoon. Lekin ab biwi manegi ki nahi manegi, I don't know. Pooch se dekhta session ke baad. Kya kehte ho aap? Aap thodi sifarish kar do, humko to bahut dil hai. सिंगल पोल स्विच एंड डबल पोल स्विच, ठीक है, एक ही आ रहा। अच्छा मेरे जी ठीक, कोई गैस में आ सकता है कि भाई सिंगल पोल स्विच में और डबल पोल स्विच में क्या डिफरेंस है? नाम देखो, सिंगल पोल, डबल पोल। पूजा जी डिडी यू ईट लंच? हाँ बेटा लंच करके आया था, आप लोग निकल लिया? सर अर्षद को कॉल हो जाए? अरे हार्दिक जी थोड़ा बिजी है, आज जो थोड़ा रेस्ट कर रहे होंगे क्योंकि कल उनके भाई की शादी थी, तो रिसेप्शन के बाद तबियत खराब हो गई बंदे की, तो अभी शायद रेस्ट कर रहे होंगे।
डिंकी जी सर आपको चप्पल खाते हुए नहीं देख रहे, गुड डिंकी गॉट अ गुड स्टूडेंट। सर गर्लफ्रेंड है आपकी, अर्पिता जी बीवी है हमारी, गर्लफ्रेंड क्या बोलोगे अभी आप, जल्दी डबल पोल स्विच डिस्कनेक्ट बोथ लाइव एंड न्यूट्रल। हाँ अरे श्रुति जी बहुत पढ़कर आई हो, क्या बात है, प्रमोशन ऑफ हैवल्स स्विच, कहाँ है भाई हैवल्स, हैवल्स का क्या देखा भी नहीं मैंने यार, आप इतना देखते हो। हाँ देखो सिंगल पोल स्विच, सही बोला आपने, सिंगल पोल स्विच सिंगल है और डबल पोल स्विच कपल्स है। शिवाशीष देखो कितना बराबर पकड़ते हैं, शिवाशीष देख रहे हो कितना मस्त आंसर दे, ऐसे याद रखते हैं वो। सिंगल पोल स्विच, स्विच एकदम सिंगल सिंगल, यानी कि एक लाइव वायर एक न्यूट्रल वायर, अगर स्विच ऑफ हो गया तो लाइव वायर डिसकनेक्टेड, न्यूट्रल वायर फिर भी कनेक्टेड, समझे। डबल पोल स्विच एक लाइव वायर एक न्यूट्रल वायर, स्विच को ऑफ किया तो लाइव और न्यूट्रल दोनों वायर डिस्कनेक्ट, ना करंट आनी चाहिए ना करंट जानी चाहिए, दोनों डिस्कनेक्ट, कपल्स मरेंगे तो एक साथ मरेंगे वरना कोई नहीं मरेगा, दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज अ डबल पोल स्विच, समझ में आई बात। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल पोल स्विच एंड अ डबल पोल स्विच, दैट सिंगल पोल स्विच डिस्कनेक्ट्स ओनली द लाइव वायर फ्रॉम द अप्लायंस, अ डबल पोल स्विच डिस्कनेक्ट्स बोथ द लाइव एंड न्यूट्रल वायर। इसीलिए अब मुझे बताओ ये जो डबल स्विच है ये आपके पूरे घर में मोस्टली सिर्फ एक जगह पे पाया जाएगा, वही जगह जहां पे एक दरवाजा खोला और ये ऊपर, यही वो स्विच है जो बार बार गिरती उठती रहती है, समझे, ये ना यही वो स्विच है जो बार बार ड्रॉप नीचे होती है क्योंकि वही डबल पोल स्विच होता है। स्टेयर केस, हाँ अरे शांति जी स्टेयर केस, आप ऐसे आप तो बहुत आगे निकल चुके हो। हाँ स्टेयर केस बेसमेंट में जरूर होता है बेटा, जहाँ पे पूरे एक बड़ा रूम का स्विच हो या तो यू नो जहाँ पे मल्टीपल अप्लायंसेस कनेक्टेड हो वहां पे इनका इस्तेमाल होता है ताकि सारे अप्लायंसेस एक साथ बच जाए भाई, ठीक है। चलो पीपल कूल, ऑल ऑफ यू गाइस वेरी वेल डन, हमने स्विच तक कर लिया है, सिंगल पोल स्विच डबल पोल स्विच समझ लिया हमने, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ अब स्विच भी आपका कनेक्टेड टू लाइव वायर, डू आई नीड टू टेल द रीजन बिहाइंड दिस, आई डोंट थिंक सो बिकॉज इट्स द सेम प्रिंसिपल ऑफ द फ्यूज वायर, ठीक है। जैसे यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि भाई अगर मैंने कनेक्ट कर दिया है न्यूट्रल वायर में तो अगर मैं स्विच ऑफ भी रखूंगा तो करंट तो आपकी बहती हुई जाएगी ना बल्ब तक, बिल्कुल जाएगी, मुझे स्विच को लाइव वायर कनेक्ट करना चाहिए क्योंकि अगर मैं ऑफ करूंगा तो मेरी लाइव वायर में करंट डिस्कनेक्ट हो जाए और ना न्यूट्रल में करंट जाएगी ना ही बल्ब में, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द लाइव वायर ओनली, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम आईसीएससी 10th ग्रेड, आई रियली होप यू गाइस आर नोटिंग इट डाउन। दूसरा सवाल, इट इज डेंजरस टू कनेक्ट द स्विच इन द डैश वायर, विच वायर, वॉट इज बेनिफिट ऑफ बोथ आयुष जी। सिंगल पोल स्विचेस आर यूज्ड फॉर द नॉर्मल लो ग्रेड अप्लायंसेस विद लेस अमाउंट ऑफ करंट, डबल पोल स्विचेस आर यूज्ड वेयर देयर आर मल्टीपल अमाउंट ऑफ डिवाइसेस टुगेदर टू बी डिस्कनेक्टेड और वेयर द करंट रेटिंग इज हायर, सेफ्टी प्रिकॉशंस। जल्दी बताइए कि डेंजरस कौन सा है, किसमें कनेक्ट करें तो डेंजरस कौन सा है। डेंगे जी सपने देखो आप उसकी, तो सेकंड इंग्लिश बोर्ड है मेरा, अरे आई नो बेटा ऑल द बेस्ट। न्यूट्रल पक्का, इट्स डेंजरस टू कनेक्ट इन न्यूट्रल, एक्जैक्टली करेक्ट, इट्स डेंजरस टू कनेक्ट इन न्यूट्रल, इट्स सेफर टू कनेक्ट इन द लाइव वायर क्योंकि बेटा लाइव वायर में कनेक्ट होगा तभी तो होगी। हाँ ये अर्थिंग, ये कौन इंसान है, हु इज दिस पर्सन, दिस पर्सन इज नोन एज बट हम ही थे ये जो ऐसे स्विच को लगाकर कर रहे थे, समझे। तो अर्थिंग में हम घुस चुके हैं, अर्थिंग का हमने एक पार्ट कर लिया, दूसरा पार्ट अभी करेंगे एंड विद दैट आई थिंक द टॉपिक वुड बी डन। हाँ देखो तो जो जो बच्चे लोकल अर्थिंग बोल रहे थे, अब श्रीवास्तव जी मुझे चप्पल फेंक मारेगी क्योंकि मैंने उनको वहां पे भी कंफ्यूज कर दिया था। तो जो जो बच्चे लोकल अर्थिंग कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे आप लोग, पूछे जी आई एम एब्सोल्युटली नॉट यार, ठीक है। तो जो फ्यूज वायर आपके फ्यूज में लगता है, जो आपका अर्थिंग वायर फ्यूज में लगता है उसको हम कहते हैं लोकल अर्थिंग। हाँ जी शानवी जी यू वेर राइट, so that was correct people, it is called as local earthing, you guys got that absolutely right, and the earthing which is connected through the appliances that's just normal earthing, theek hai, usko hum yahi kehte hai earthing of an appliance, that's it, theek hai। to local earthing we have already learned right now through the fuse, bata diya maine aapko ye jo distribution box ya to fuse wire yahi pe aapka local earthing ho jata hai khatam। ab hum dekhte hain ki switches ke through kaise hoti hai, dhyan se dekho bahut simple hai, theek hai। to jo latest ghar hai apartments wagera unme dono hota hai स्पेशल सेफ्टी, ठीक। अभी भी हो सकता है कि भाई
यहाँ पे करंट लीकेज हमने रोक दिया, लेकिन इसके बाद ड्यू टू समथिंग द लीकेज इज हैपनिंग, आपके डिवाइस के अंदर लीकेज हो रहा है, तो इन सब वजहों से भी आपके अप्लायंसेस डिफेक्ट हो सकते हैं। जैसे मान लो आपके घर में एक माइक्रोवेव ओवन है, ठीक है, ओवन रखा हुआ है, अब अगेन जैसे मैंने कहा ठंडी का मौसम, सारे कॉकरोच सब ओवन के अंदर ऐसे पीछे घुस जाते हैं, ऐसे अंडे अंडे ऐसे निकलते रहते हैं, एंड फिर आप ऐसे हिट का स्प्रे लेके ऐसे घूमते रहते हो, मम्मी बोलती है मेरे घर में इतना कॉकरोच है, और आपके पापा बोलते हैं अरे मैं स्प्रे मार मार के थक गया, कितना लेके आऊँगा मैं, फिर आप ऐसे फिर अभी फिर एक नया चीज़ आने लग गया, आप खरीद के लेके आते हो ट्यूब का हो टूथपेस्ट ऐसा दिखता है, और फिर आप घर के हर एक कोने कोने में चिपकाने लग जाते हो, है ना, सब जगह से टूथपेस्ट 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 डालते जाते हो, वो भी आप ही का काम है, है ना। ऑल दिस थिंग्स कीप हैपनिंग, why? Because there are things called as cockroaches exist, correct, from the dinosaur amount of dinosaur era they exist, similarly there are rats also in the houses, to maan lo wo ghus jate hain microwave oven ke andar aur ja kar kisi live wire ka se kaatne, pata nahi kyu kaatte hain wo, unko pata nahi kya milta hai, ghar mein khana nahi milta pata nahi kya, live wire ke andar us live wire ka se kaat dete hain, ab ye live wire ke andar se leakage start hua aur wo leakage pura aapke microwave oven ke upar aa gaya, theek hai, to agar abhi aapke papa ja kar use chhuenge wo darte disco pura scene, theek hai, सीन उल जाएगा, मम्मी जाके फिर उनको छुएगी वो भी तरते डिस्को, ठीक है, आप भी जाके छुओगे आप भी तरते डिस्को, सब लोग शौक में होंगे, सब लोग शौक में अब बचाने कोई नहीं आएगा, पता भी नहीं चले किसी को क्या हो गया कब क्या हुआ, करेक्ट, तो सेफ गार्ड फ्रॉम दैट, अब होता क्या है माइक्रोवेव अवन में भी एक मेटल बेस लगा देते हैं, जिसका सेम फिनोमेना लोकल अर्थिंग का, एक मेटल का पीस लगा दिया विथ वेरी लो रेजिस्टेंस, और वो सारा का सारा करंट जो माइक्रोवेव ओवन में ऐसा फैला हुआ है वो ऐसे बहते हुए उस मेटल बेस में आ जाता है, क्यों, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस कम है वहां पे, आ गया, और अब वहां से एक वायर निकलती है उस अप्लायंस के, आपने सबका प्लग होता है ना भाई, सारे डिवाइस का प्लग होता है, आप देखोगे वो सारे प्लग, अब माइक्रोवेव अगर आपके घर में है तो वॉशिंग मशीन आपके घर पे है, आप देखना वो प्लग हमेशा पीछे से निकलेगा, क्योंकि पीछे में लगा होता है मेटल का बेस, सामने कोई नहीं लगाता, सब डिवाइस के पीछे लगाते हैं, समझ रहे हो, और वहां से एक वायर निकलेगी जिसमें वो वायर जो मेटल बेस कनेक्टेड है वो भी निकल कर आती है, और वो सब आप उठाकर सॉकेट में लगा देते हो, तो ये हो गई अर्थिंग, और उस सॉकेट में से एक अर्थिंग प्लग के थ्रू सब कुछ अर्थ में चल जाता है, वो भी दिखाता था, ठीक है, दिखाता हूं, देखो ध्यान से, ये लोकल अर्थिंग हमने देख लिया, देख रहे हो, So the metal base is there under the oven. उसमें से जो red brown wire है तो live wire है, ये neutral wire है, और ये जो हरा कलर का wire है ये आपका earth wire है जो वहां से निकलता है और अगर plug में लगता है. तो before I go into the plug and socket, please let me do the answer. The basic needs of earthing is to protect human lives as well as provide safety to electrical devices, to protect electrical system and buildings from lightning, to serve as a return conductor in electric traction system and communication, all of the above. जल्दी बताओ चैट में. डी रैंकर जी नमस्ते बेटा, ख्याल रखो अपना, ऑल द बेस्ट, पक्का, अब इसके बाद इस सेशन का सबसे फनी इंसिडेंट आने वाला देखना अभी, ठीक है, डी ऑल ऑफ द अबव, श्योर, कितने हो गए, एवरीवन हिट द लाइक बटन राइट नाउ, जिन्होंने लाइक बटन हिट नहीं किया है, एवरीवन हिट द लाइक बटन, कर दिया, ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स ऑप्शन डी. अब जिन बच्चों ने ए बोला तो मतलब आपको अपने घर के अंदर के अप्लायंसेस से प्यार नहीं है, जिन बच्चों ने बी बोला यानी कि आप लोगों को इंसानों से प्यार नहीं है, वाह वाह मेरे शेरो वाह, मजा आ गया, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थ्री पिन प्लग एंड सॉकेट की. स्किन की रोड़े ये थ्री पिन प्लग देखा हुआ बेटा, ये तो नहीं देखा होगा, ये देखा होगा आप लोगों ने, है ना, ये तो आपके यूएस में होता है मोस्टली, आप लोगों ने ये देखा होगा, देखा हुआ है, जल्दी बताओ मुझे, How many of you guys have seen this plug? Mostly आपके microwave oven, fridge सबका यही plug होता है, देखा हुआ सबने, ऐसा तो नहीं किसी ने नहीं देखा हुआ है, देखा हुआ है ना, ठीक है, cool. अब यही plug होती है जो हर एक device से connected होती है जिसको आप ऐसे socket में डालते हो. तो इसका जो सबसे ऊपर वाला plug है, जो सबसे मोटा होता है, सबसे thick plug, सबसे thick pin and the longest pin is the earth pin. तो उसी में वो हरा कलर का वायर कनेक्टेड होता है, ठीक है. अब इसके राइट साइड में जो चीज होती है वो होता है लाइव, और इसके लेफ्ट में जो चीज होती है वो होता है न्यूट्रल, ठीक है. तो अर्थिंग वायर के मतलब अगर आप ऐसे प्लग उठाओगे, ये अर्थ है, तो अर्थ के राइट में लाइव होगा और अर्थ के लेफ्ट में न्यूट्रल होगा, समझे, अर्थ लाइव न्यूट्रल, ट्राइंगल बनाओ, अर्थ लाइव न्यूट्रल, कोई ट्राइंगल ऐसा उल्टा तो नहीं बनाता ना,
सब लोग ऐसे बनाते हो, करेक्ट? सो अर्थ लाइट न्यूट्रल, समझे? सर रात का नाम नहीं लेते रात का नाम नहीं लेते मान लीजिए, अच्छा डर लगता है मेरिल जी, अच्छा तो दिस इज सिनेरियो। अब आप इजीली क्या है अर्थ के पिन को बाकी पिन से डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि लाइव एंड न्यूट्रल द पिन्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, दे आर नॉट दैट लेंथी, बट अर्थ वायर इज वेरी लेंथी एंड थिक। कैन एनीवन टेल मी व्हाई? कैन एनीवन टेल मी व्हाई इज द अर्थ पिन लॉन्गर? दे कैन जस्ट राइट ई हियर ना, जैसे यहां पर लिखा हुआ है ई लिख दिया, यहां पर लिखा हुआ है एल लिख दिया, यहां पर उन्होंने लिख दिया एन, समझ में आ जाएगा हमें। लेकिन ये बड़ा बनाने का क्या मतलब है? जल्दी, अर्थ वायर सर, वी कैन से मून वायर ना पूजा जी, वाई? बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू द अर्थ ना, दैट्स व्हाई इट्स अर्थ वायर। लॉन्ग टू मेक इट्स कनेक्शन फर्स्ट, करेक्ट शिवा सर जी? शिवा सर जी डाउट में मैं सही जवाब दे रही हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही जवाब, थैंक यू सो मच जसपाल सिंह जी। नीड टू बी डन बिफोर कनेक्टिंग द लाइवर, एक्जैक्टली करेक्ट हार्दिक, दैट मेक्स सेंस है ना, दैट मेक्स सेंस कि आपका अर्थ वायर जो, दैट्स कॉमन सेंस जनरल नॉलेज कि अर्थ का वायर का कनेक्शन अगर हम बाकी कनेक्शन से पहले लगाएंगे तो हम सेफ रहेंगे, हम जिंदा रह पाएंगे, वी कैन प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक, है ना? हाँ, और शायद पहले ऐसे हुआ करता था, लेकिन आप जैसे हर्षर जैसे कुछ चौधरियों की वजह से हुआ क्या? आई एम प्रिटी श्योर उन लोगों ने प्लग उठाया होगा और प्लग का जो लाइव पिन है ना उसको अर्थ पिन के सॉकेट में डालने की कोशिश की होगी उन्होंने, आई एम प्रिटी श्योर ऑफ दिस, और उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा, कहीं ना कहीं आग तो लगी हुई होगी। इस वजह से उन्होंने ऐसे बुड़बकों से बचने के लिए अर्थ पिन को परमानेंटली मोटा और लंबा बना दिया, समझे? यही हुआ होगा, वरना हमें कौन सी पड़ी है भाई एक्स्ट्रा मटेरियल यूज करके उसको लंबा और मोटा बनाने की, हमें कौन सी पड़ी है? समझ रहे हो? वैसे इसको मोटा कर देने का एक और रीजन अच्छा हो गया, क्योंकि भाई इसकी एरिया बढ़ गई, और एरिया बढ़ गई तो रेजिस्टेंस कम हो गया, बिकॉज दिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस कम हो गया तो अर्थ वायर से ज्यादा करंट निकल के चली जाती है अर्थ में अगर लीकेज हो रहा हो तो, ठीक है? अर्थ का मतलब अर्थ वायर होता है सर, करेक्ट? गॉट इट? ऑल राइट पीपल, तो वैसे आपका सॉकेट होता है, ठीक है? ये तो आपको समझ में आ गया कि वाई? हाँ, नाउ प्लीज टेल मी पीपल, द डैश पिन इज थिकर एंड लॉन्गर देन द अदर टू, लाइव न्यूट्रल अर्थ ऑल पिन आर द सेम साइज। हाँ जी अर्पिता जी, हो गई, थैंक यू सो मच अलीस पैशन। वॉट इफ वी समहाउ कनेक्ट लाइव वायर इन अर्थ सॉकेट? देख रहे हो बच्चों, ऐसे श्रीवास्तव जी जैसे ऐसे लोगों की वजह से अर्थ पिन मोटा है आज, और लोग उसे बॉडी शेम करते हैं। श्रीवास्तव जी जैसे लोग तो पूछ रहे, देखो सर क्या होगा सर, बताओ ना सर, टेल मी सर, व्हाट 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 विल हैपन इफ यू, व्हाट? अरे श्रीवास्तव जी रहने दो उसे यार, व्हाई डू यू वांट टू, रहने दो ना, जो चीज जहां लगनी चाहिए उसको लगने दो, व्हाई डू यू वांट टू। आई नो यू आर आस्किंग सीरियसली, मैं ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहता था आपको रोस्ट करने का ना श्रीवास्तव जी, इसलिए तो हाँ, अरे नथिंग विल हैपन, इतना होगा कि आप जो करंट आपने स्विच ऑन करे, जो करंट लेकर आए हो आप, वो सब अर्थ में जाएगी, आपका डिवाइस काम नहीं करेगा, इतना ही है और क्या। जल्दी बताओ, वी वॉन्ट प्रैक्टिकल सर हार्दिक, या प्रैक्टिकल यू वॉन्ट ना श्रीवास्तव जी, वीडियो बनाकर इंस्टा पर डालिए, हम शेयर करेंगे सब जगह, वीडियो चाहिए आपका। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स द अर्थ वायर इज द, हाँ तो नाउ वी कम टू द सॉकेट, ठीक है? तो सॉकेट इज जस्ट दी प्लेस वेयर यू कैन जस्ट फिक्स, सो टेक प्लग एंड द सॉकेट इज जिग्सो पजल। जिग्सो पजल में क्या होता है, दो चीजों को आप बराबर रखोगे पजल पीसेस को तो वो सेट हो जाती है, तो वैसे ही आपका सॉकेट इज द प्लेस वेयर यू प्लग इट इन, अंदर जाती है, ठीक है? तो अर्थ वायर तो टॉप पे ही है, ये तो हमें क्लियर है। अब प्लग का राइट साइड है ना, मैंने बताया था अर्थ लाइव न्यूट्रल, तो अर्थ आपका लाइव वायर जो है राइट साइड पे होता है, तो राइट साइड लाइव यहां पे आ गया, और लेफ्ट साइड पे न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल यहां पे आ गया, तो सब कनेक्टेड है। एक्स्ट्रा करंट है तो भाई वो अर्थ के थ्रू बह गया, जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा इस स्विच में आपका लाइव वायर ऐसे कनेक्टेड होगा, ठीक है? तो जब मैं स्विच को ऑन करूंगा लाइव वायर गेट कनेक्टेड टू द सप्लाई एंड नाउ योर डिवाइस हैज द करंट। तो बच्चों जोर से बोलो बल्ले बल्ले, हमने मेन से लेकर आपके सिस्टम के अंदर तक बिजली पहुंचा दी है, जोर से बोलो बल्ले बल्ले। We are done with today's session, people. There is only one more topic left, which I'll be telling you guys right now in some time. Okay?
जल्दी बताता हूँ. हाँ, सेफ्टी प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. नाउ दैट आई विल लीव इट यू गाइज एज अ होमवर्क, क्योंकि कुछ चार पॉइंटर्स हैं विच आई वुड लाइक यू गाइज टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और उसके अलावा आज का काम खत्म. नहीं देखा मान्या जी, प्लीज़ मैं शेयर कर देना, मैं देख लेता हूँ. अरे अर्पिता जी, उसमें क्या है यार, शाहरुख खान की भी शादी हो गई है, क्रश टूट जाता है क्या लोगों का? अरे प्यार तो उतना ही बरकरार है आप लोगों के साथ. यस, ऑल गुड सर. व्हाई यू हेट हर सर? स्कंदा जी पूछ रहे हैं. व्हाई विल आई हेट हर सर? आई लव हिम सो मच एंड ही लव्स मी सो मच दैट वी कैन टॉक अबाउट ईच अदर वॉट एवर वी वॉन्ट. दैट्स वॉट इज दैट. आपका कोई ऐसा दोस्त नहीं है स्कंदा जी? सैवेज पीपल स्टे सिंगल, हार्दिक जी. हाँ हाँ, एंड सैवेज पीपल डाई सिंगल एज वेल. आई डोंट वॉन्ट टू बी सैवेज. अरे कोई बात नहीं अर्पिता जी, ठीक है, ऑल गुड. नो वन इज गोना फॉरगेट एनीवन. या सो हाउसफुल सर्किस इज डन, वी विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट यू नो आईसीसी का भी नेक्स्ट वीक में कर लूंगा. तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फिनिश ऑफ योर सिलेबस बिफोर योर साइंस एग्जामिनेशन, है ना? ठीक है, चलो 9 तारीख को है ना राइट आपका, उससे पहले करते हैं. कुल चलो, वी विल बाय बाय, टेक केयर. दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. Also let me know how was today's session and please make sure to share this video and subscribe to the channel if in case you haven't. Milte hain. Peace people.